आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कालाव का बादल, इस पाठ का व्याकरण। इस पाठ को आपको वाचन करना है। आप इसके प्रश्नोत्तर नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप क्या करो, इसका ध्यानपूर्वक वाचन करो और इसका व्याकरण जो है वो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। तो देखिए, पन्ना क्रमांक 26 और 27 पर जो व्याकरण है इस पाठ का, वो अभी हम पूरा करेंगे। इसका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, विलोम शब्द लिखो। तो पहला शब्द है मित्र। मित्र को विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। तो यहाँ पर देखिए, मित्र शब्द है। मित्र शब्द का क्या हो सकता है? शत्रु। इसकी जो मात्राएं है वो ध्यानपूर्वक आपको लिखनी है। यहाँ पर पहली उ की मात्रा है, तो पहली उ की मात्रा ही लिखनी है। मित्र के लिए विलोम शब्द है शत्रु, दोस्त के लिए विलोम शब्द है दुश्मन। शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए। यहाँ पर यह आधा अक्षर वाला शब्द है, श म से जोड़ा गया है। दुश्मन शब्द है नन्हा। नन्हा शब्द देखिए, नन्हा है, नन्हे नहीं है। नन्हे होता तो बड़े, नन्हा शब्द है तो क्या आएगा विलोम शब्द? बड़ा। खुश, खुश शब्द के लिए क्या आएगा? खुश शब्द के लिए क्या आएगा? निराश। खुश शब्द के लिए विलोम शब्द है निराश। देखो यहां पर पांचवा शब्द है प्यार। प्यार के लिए विलोम शब्द है नफरत। बुरा शब्द के लिए विलोम शब्द है अच्छा। यहां पर भी देखिए, बुरे नहीं है, बुरा है, तो बुरा के लिए विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा। अगर बुरे हैं, विलोम शब्द यहां पर शब्द दिया है बुरे, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अच्छे। यहां पर बुरा दिया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अच्छा। यहां पर देखिए निराशा, निराशा आशा। बंधन के लिए विलोम शब्द है मुक्त। शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए, फिर से देखिए। यहां पर मित्र शत्रु, दोस्त दुश्मन, नन्हा बड़ा, खुश निराश, प्यार नफरत, बुरा अच्छा, निराशा आशा, बंधन मुक्त। तो यह हुआ हमारा पहला प्रश्न पूरा। यह देखकर आप अपने पाठ्यपुस्तक में पूरा कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न में प्रश्न है, नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखो। तो हमें क्या लिखने हैं? द्वित्व व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखने हैं। तो यहां पर पहला उन्होंने द्वित्व व्यंजन यानी क्या वो पहले देखते हैं। देखो यहां पर दो समान व्यंजन है, दो समान व्यंजन, यह च है और यह भी च है, यह आधा है और उसे यह पूरा च है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो समान व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हैं, इसको ही क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो यहां पर च से च जुड़ा है, यहां स से स जुड़ा है, यहां न से न जुड़ा हुआ है, यहां क से क है, यहां त से त है। तो यहां पर देखिए च, च से शब्द दिया है बच्चा। हमें और दो शब्द यहां पर लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं सच्चा और कच्चा। देखिए बच्चा सच्चा कच्चा, ऐसे च से तैयार, च से जिसमें च यह व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, ऐसे शब्द यहां पर हमने लिखे हैं। देखो दूसरा वर्ण है स। स से शब्द दिया है रस्सी। पुस्तक में जो शब्द दिया है वो है रस्सी, लस्सी और अस्सी। देखो यहां पर तीसरा शब्द है, तीसरा वर्ण है न। न को न से जोड़ा गया है, तो शब्द दिया है प्रसन्न। पुस्तक में शब्द दिया है प्रसन्न।
देखो यह आधा क है उसे पूरा क से जोड़ा गया है, तो यहां पर शब्द दिया है मक्का, पुस्तक में जो शब्द दिया है वो है मक्का। यहां पर आप शब्द लिख सकते हैं चक्का, पक्का। देखिए पांचवा शब्द, पांचवा वर्ण जो है वो है त, तो अर्थात वर पूरा त से उसे जोड़ा गया है, तो यहां पर शब्द दिया है कुत्ता, पुस्तक में जो शब्द है वो है कुत्ता। छत्ता, हम लिख सकते हैं छत्ता और पत्ता। देखो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और आपके पाठ्य पुस्तक में इसे पूरा कीजिए। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होता है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए र के दोनों रूप वाले तीन तीन शब्द लिखो। इसमें यहाँ पर देखो प्रशस्त शब्द है और यहाँ धनु शब्द है, हमें क्या करना है ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर लिखने हैं। इसको जब यह पैरों में लगाया जाता है तब इसको पदेन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द हम लिखेंगे प्रदेश, प्रवेश और देखो प्र और के रूप वाले तीन शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पर प्रदेश, प्रवेश और प्रेम। दूसरा है धर्म, इस म के ऊपर रेफ दिया है, क्या दिया है रेफ दिया है और र का रूप यहाँ पर दिया है। र का रूप ऐसे दिया जाता है जब वो स्वर रहित होता है, र स्वर रहित होता है और तब तो क्या कहते हैं उसके आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ दिया जाता है धर्म। उच्चारण में धर्म शब्द देखिए म म र पहले आता है और म बाद में आता है, इसलिए म के ऊपर वो रूप दिया जाता है, र का रूप दिया जाता है, ये देखते हुए इसको ऐसे रेफ दिया जाता है। तो देखिए इस तरह के शब्द कर्तव्य, यहाँ पर कर्तव्य शब्द है, कर्म शब्द है और कार्य शब्द है। अब देखिए यहाँ पर धर्म से बने कर्तव्य, कर्म, कार्य, इन चारों शब्दों के ऊपर र का रूप इस तरह दिया है, रेड लगा कर दिया है ऊपर। तो यहाँ पर ये शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में लिखो और यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है। देखिए चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के लिंग लिखो। तो यहाँ पर हमें लिंग लिखना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हिंदी में दो ही भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं बादल, बादल शब्द का पाठ्य पुस्तक में दिया है पुल्लिंग, बादल शब्द का लिंग दिया है पुल्लिंग क्योंकि काला बादल आसमान में मंडरा रहा है। वाक्य देखिए काला बादल आसमान में मंडरा रहा है, मंडरा रहा है यह वाक्य इस तरह से आया है, क्रिया की तरफ ध्यान दो मंडरा रहा है, अगर वह स्त्रीलिंग होता तो मंडरा रही है ऐसा शब्द होता, ऐसे वाक्य होता। तो यहाँ पर बादल यह शब्द क्या है पुल्लिंग शब्द दर्शाता है, पुल्लिंग शब्द कबूल कराता है। देखिए काला बादल मंडरा रहा है इससे पता चलता है कि यह पुल्लिंग शब्द है। दूसरा देखिए यहाँ पर तारीफ, तारीफ शब्द है, उसने मेरी बहुत तारीफ की, तारीफ यह स्त्रीलिंग होने के कारण की, वाक्य में की हमने जोड़ा उसने मेरी बहुत तारीफ की तो पता चलता है कि तारीफ यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए यह जो शब्द है वो वाक्य में डालने से आपको पता चलेगा कि यह वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए आम, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, अगर आम यह स्त्रीलिंग शब्द होता तो खाई आता, पर यहाँ पर आम स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आम शब्द हम पुल्लिंग लिखेंगे। अकेला, अकेली, अकेली होता तो स्त्रीलिंग होता और यहाँ पर अकेला शब्द है इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है।
देखो यहाँ पर निराशा, निराशा शब्द है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है निराशा, भाववाचक शब्द है, और जितने भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक शब्द है, वो सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पर निराशा यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। देखो घर, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मैंने ऐसे बोला क्या मेरा घर बहुत बड़ी है? नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो घर के लिए बड़ा शब्द आया है, तो बड़ा पुल्लिंग होता है, तो घर यह शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पर अच्छा, अच्छी, अच्छी है तो स्त्रीलिंग, अच्छा है तो पुल्लिंग, तो यहाँ पर यह शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पर तकलीफ, तकलीफ, मुझे आज बहुत तकलीफ हुई, हुई, तो तकलीफ यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा है ये, इसलिए तकलीफ, और हमने इससे पहले ही कहा जा रहा है कि निराशा यह शब्द भाववाचक शब्द था, वो स्त्रीलिंग में लिखा, और जितने भी भाववाचक शब्द है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए यह तकलीफ शब्द भी स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रियां, आपको तो पता है स्त्रिया शब्द किस में जाएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। उसके बाद देखो किसान, किसान खेत में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो इससे पता चलता है ये शब्द पुल्लिंग है। खुशी, आज मुझे बहुत खुशी हुई, यह भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है खुशी, तो इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए यहाँ पर जीवन, मेरा जीवन, क्या बोलते हैं हम? मेरा जीवन सफल हो गया, तो मेरा जीवन, जीवन यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। देखो इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और आपके पाठ्य पुस्तक में इसे पूरा करो। इस प्रश्न में देखिए नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, अनुस्वार यानी सिर्फ अनुस्वार लगाओ। देखिए यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगाना है और अनुस्वर वाले चिन्ह लगाना है। इन शब्दों को देखा आपने तो यहाँ पर जो शब्द दिए है उनके ऊपर कुछ शब्दों पर अनुनासिक और कुछ शब्दों पर अनुस्वार लेना है। देखो यहाँ पर अनुनासिक नहीं दिए हैं और अनुस्वार भी नहीं दिए हैं, तो यहाँ शब्दों के अर्थ कितने बदलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, पर जब हम इसे अनुस्वार और अनुनासिक देंगे तो उनके शब्द आपको अर्थ उसके पता चलेगा। देखते हैं यहाँ पर देखिए आंगन शब्द है, कुछ पता चल रहा है इसका अर्थ क्या है? नहीं, तो आंगन इसके ऊपर क्या है? अनुनासिक है, आपके ऊपर अनुनासिक है, तो शब्द बनता है आंगर, शब्द बनता है आंगर, तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थ समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ शब्द है यहाँ, तो हा के ऊपर अनुनासिक चिन्ह आने पर, अनुनासिक चिन्ह देने पर क्या शब्द होता है? यहाँ शब्द होता है यहाँ, तो अभ्यर्थ उसका बनता है। देखो यहाँ पर है सब शब्द है, इसके ऊपर क्या होगा? सिर्फ अनुस्वार होगा, तो शब्द बनता है संग, शब्द बनता है संग। उसके बाद है सुंदर, इसके ऊपर क्या होगा? अनुस्वार होगा, तो शब्द बनेगा सुंदर, शब्द बनेगा सुंदर। यहाँ पर देखिए लागना शब्द है लागना, तो लागना का कुछ अर्थ नहीं बनता, पर इसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु दिया तो अभी शब्द बनेगा लांघना, शब्द क्या बनेगा? लांघना। उसके बाद देखो बंधन शब्द है, ब के ऊपर अनुस्वार दो, शब्द बनेगा बंधन। गा व शब्द है गाव, तो गा के ऊपर अनुनासिक लगाओ, शब्द बनेगा गांव, शब्द क्या बनेगा? गांव। बूंद शब्द है, क्या शब्द है? बूंद, बूंद शब्द का बनेगा
बूंद, इसके ऊपर व के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक चिन्ह लगेगा, तो शब्द बनेगा बूंद। देखिए आशाय, सिर्फ आशाय शब्द है तो यहाँ पर एक के ऊपर अनुनासिक चिन्ह आएगा, एक के ऊपर अनुनासिक चिन्ह आने के बाद वो शब्द बनेगा आशाय, शब्द क्या बनेगा? आशाय। यहाँ पर भयंकर शब्द है, कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर य के ऊपर अनुस्वर देने पर देखिए अभी शब्द बनता है भयंकर, शब्द बनता है भयंकर। देखो यहाँ पर आग शब्द है, कुछ शब्द अर्थ नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर आग के ऊपर अगर जन्म बिंदु दिया जाए तो शब्द बनेगा आग, क्या बनेगा? आग। देखो यहाँ पर गधा शब्द है, क के ऊपर अनुस्वर देने से शब्द बनता है कंधा, शब्द बनता है कंधा। देखो प के ऊपर अनुस्वर देने से यहाँ पर शब्द बनेगा पंख, शब्द बनेगा पंख। पख शब्द से कुछ अर्थ नहीं बन रहा था, पर प के ऊपर अनुस्वर दिया पंख बन गया शब्द। पांचवी शब्द है, ऐसे लिखा होता है क्या पांचवी? नहीं, तो पा के ऊपर अनुनासिक देने पर यह शब्द सही होता है। पांचवी शब्द के ऊपर अनुनासिक दिया तो शब्द बन गया पांचवी। देखो यहाँ पर मंजन शब्द है, म के ऊपर अनुस्वर लगाओ तो शब्द बनता है मंजन। भूत शब्द है, ग ग के ऊपर अनुनासिक लगाओ तो शब्द बनेगा गूंज, जो आपने मेलों की मेला में यह शब्द देखा है, यह शब्द पढ़ा है गूंज, तो इस तरह से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द अभी है उसका वाचन करते हैं, आंबर, यहाँ, संग, सुंदर, लांघना, बंधन, गांव, बूंद, आशाएं, भयंकर, आंख, कंधा, पंख, पांचवी, मंजन और पूंज। ये सारे शब्द आपको अनुनासिक और अनुस्वार लिखना, इसके ऊपर लिखना है। देखो इस शब्दों को और पाठ्यपुस्तक में उसे पूरा करो। देखिए छठे प्रश्न में है, पाठ से विशेषण चुन शब्द चुनकर लिखो। छठे प्रश्न में क्या दिया है? पाठ से विशेषण शब्द चुनकर लिखो। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पाठ में से ऐसे शब्द चुनकर लिखे, यहाँ पर इनको आपको देखना है और पाठ्य पुस्तक में उसे रेखांकित करना है। तो ये शब्द मैं अभी पढ़ता हूँ। पहला शब्द है काला, दूसरा शब्द है नटखट, नन्हे, ठंडी, घना, नीले, आठ दस, सूखे, छोटे, प्यारी, बहुरंगी और अलमस्त। ऐसे शब्द हैं, यह शब्द आपको देखने हैं और उनको पाठ्यपुस्तक में रेखांकित करके कर लेना है और इन शब्दों को आपको पाठ्यपुस्तक में लिखना है। पाठ्यपुस्तक में नौ ही जगह है, नौ ही रेखाएं हैं, वहां पर आपको नौ शब्द लिखने हैं और जो बाकी बचे हैं उनका भी आपको पाठ्यपुस्तक में जो पाठ है काला उला बादल, इसमें आपको रेखांकित करना है।